ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी देख लो, माताओं को पति कहता है सेंटर में नहीं जाओ तो चलेगा, आप कहेंगे मेरे लिए बंधन है, मुझे सेंटर में जाना चाहिए, शांति मिलती है, अच्छा लगता है, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? वो घर देखते हैं, घर में बच्चे हैं, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, सब कुछ करना है, माता जी छुप छोड़ करके सेंटर में जाके बैठते हो, तो क्या करना चाहिए? तो आपने गृहस्थ बनाया तो गृहस्थ की पहली सेवा करना चाहिए, गृहस्थ की सेवा छोड़ के नहीं, गृहस्थ धर्म सबसे पहला, तो उसको करके दिन में सब बच्चे स्कूल में गए, पति ऑफिस में गया, खाली समय पर 10-11 बजे, शाम को 4-5 बजे, हाँ ऐसे समय पर अपना घर का जो बनाया, अगर कोई अकेले माता है, कन्या है, खाली है, वो आ सकती है। जिसको अपना संसार बनाया है तो उसकी पहली सेवा करना है, उसको छोड़ के नहीं आना है, कि छोड़ के आना चाहिए। आप कहेंगे भाई जी सवेरे सवेरे 6 बजे मुरली शुरू होती है तो उस समय जाना चाहिए, तो क्या करें? बहन जी भी कहती है 6 बजे आ जाओ आज मुरली सुनने के लिए, तो क्या करना चाहिए? आपने बताना चाहिए, बहन जी हमारे घर में बच्चे हैं, उनको उठा के तैयार करके स्कूल में भेजना है, पति को चाय बना के देना है, खाना बना के देना है, ऑफिस में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, हम माताओं के लिए सेंटर में 10 से 11, 11 से 12 ऐसे दिन में रखते हैं। जिनको बंधन है वो अपना बंधन, आपने बहन जी तो अपना नियम बताएंगे, आपने अपने के लिए प्रबंध बताना चाहिए। हम उस समय जिस दिन खाली है तो आओ, जिस समय नहीं आ सकते हो तो उनको, नहीं तो कभी कभी 7 बजे चलेगा, 6 से 7 बजे वापस जाओ, नज़दीक है तो, नहीं तो शाम को 4 से 5, तो वो व्यवस्था करना, तब संसार में दुविधा नहीं होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। गलत परिवार में एक चलता है एक नहीं चलता, ये सब होने का कारण क्या है? हमारे आचरण सही कि नहीं, कि सब कुछ छोड़ के आ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपना स्वार्थ देखा आपने, औरों का स्वार्थ नहीं देखा, आप अपना देखते हो, मुझे जाके 7 बजे मुरली सुनने से अच्छा लगता है, लेकिन आपने जो संसार बनाया उसके लिए क्या है? तो हमारा जीवन औरों के लिए भी है, औरों के साथ है। भाई जी बताओ क्या करना चाहिए? आप सवेरे उठते हो तो घर में सबको डिस्टर्ब होता है ना, वो नहीं उठते हैं, वो सोने वाले हैं। हाँ सारा परिवार अगर ज्ञान में चलता है तो कोई प्रश्न नहीं, तो ऐसा होता नहीं, एक चलता है तो एक नहीं चलता है, ऐसे ही है ना। और बताओ, और आपके मन में कोई दुविधा है तो बताओ।